गुरुद्वारा ग्यान गोदड़ी दी मुड़ उसारी लई जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब दी अगवाई हेठ चलाई गई मुहिम तहत देश विदेश दीआं लखां संगतां ने हजारां गुरुद्वारियां विच जपजी साहिब दे पाठ उपरंत हर की पौड़ी हरिद्वार विखे गुरुद्वारा साहिब मुड़ बनन लई अरदास कीती। स्थानक समय मुताबिक सवेरे 9 बजे जपजी साहिब जी दे पाठ दी इतिहासिक गुरुद्वारियां दे नाल ही सिंह सभावां विच वी शुरुआत होई। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते श्रोमणी कमेटी वालों सांझे तौर ते आरंभी गई इस मुहिम तहत दिल्ली विखे हुए समागम दौरान सर्व धर्म संसद के आगुआं ने शमूलियत करते हुए हरिद्वार विखे गुरुद्वारा साहिब की स्थापना के हक विच समर्थन देने दे नाल ही गुरुद्वारा साहिब की उसारी की कार सेवा हथी करने की गल कही। समागम दौरान वख-वख धर्मां दे नुमाइंदियां ने भी गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी बनाउण दे हक विच नारा लगाया। इस मौके ते कमेटी प्रधान सरदार मनजीत सिंह जी के जन सकत्तर मनजिंदर सिंह सिरसा धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन कुलमोहन सिंह समेत कई अहम शख्सियतों ने संगत को संबोधन किया। कुलमोहन सिंह ने कहा कि गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के इतिहास को संगत तक पहुंचाने लई सरदार जगजीत सिंह दर्दी की अगवाई हेठ चढ़दी कला टाइम टीवी भी समय समय से अपना विशेष योगदान पाता रहा है। गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी लई चलाई इस मुहिम विच दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सोशल मीडिया से भी संगत को शमूलियत करने की अपील की। कि जिहड़े साडे हिंदू समाज तो धर्म गुरु आए ने उन्होंने जो आके आ इस स्थान पर कि जो बचपन मैं अपने पिता नाल हरिद्वार जाया करता सी ते मैं उस स्थान पर मत्था टेकिया करता सीगा। अज ज्ञानी साहब सिंह मारकंडा जी ने आख्या कि मैं छोटी उम्र के विच उस स्थान पर कथा खुद की है। मैं समझदा कि इस तो वड्डी मोह नहीं लग सकती कि जिहड़ी चीज साडी उस जगह तो हटी सी किसे कारण करके हटी सी अज आवाज़े खलक है अज पूरी दुनिया की आवाज है कि उस थां ते गुरद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहब का निर्माण होना चाहिए। कई भरम भुलेखे पाने की कोशिश करते ने उत्थे नहीं कहते होर होगी अज बिल्कुल क्लीयर कर दिए जिस जगह पर वह स्थान सेगा उही जगह सानू चाहिए उस तो अलावा कोई जगह। गुरु नानक देव साहिब महाराज जी का जोड़ा सुनिया से अज मैं इस गल की यह कह सकता है कि मेरी अपने जीवन काल अंदर मैं कोई ऐसी मुहिम नहीं चलती देखी जिस दे अंदर हर फिरके दे लोग दे अपने नाल चलण वाले साडे विरोध चलण वाले जिन्हां लोगों ने साडे खिलाफ इलैक्शनां भी लड़ियां सी जिन्हां लोगों ने देश विदेश अंदर किन्हां मुद्दियां नूं लैके साडे मुखालफतां भी कीतियां सी अज वह सारे एकजुट हो गए। इतों तक पाकिस्तान प्रबंधक कमेटी ने भी जो वड्डा इस मुहिम नूं हरारा दिता है मेरे जीवन काल अंदर मैं कोई ऐसी मुहिम चलती नहीं देखी जिदे अंदर सर्वसम्मति दे नाल हरेक ने ही अपना योगदान पाउण दा विश्वास दिता होवे। जिते मैं इस सारी मुहिम वास्ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान साहब सिंह साहब श्री अकाल तख्त साहब का धन्यवाद करदा दिल्ली दीआं संगतां का धन्यवाद करदा दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मैंबर साहबानों का धन्यवाद करदा उत्थे ही साडे विच आए हुए विशेष तौर पर मेहमान चाहे वह साडे मुस्लिम धर्म के आगू हो चाहे जैन धर्म के आगू हो हर धर्मों तो जुड़े हुए लोगों ने जिस तरीके गुरु नानक देव साहिब महाराज के सने दुनिया तक पहुंचाने का अपना अकीदा अपना विश्वास पेश किया है। मैं समझदा हूं तक का यह जो मैं नजारा देख रहा है शायद मैं अपने जीवन काल ऐसा नजारा नहीं देखा। कल ही सर जगजीत सिंह जी दर्दी जोड़े कि चढ़ती कला टाइम टीवी के मुखी ने कल दफ्तर आए उन्होंने इस चीज़ की बहुत खुशी महसूस कर रहे सन कि ज्ञान गोदड़ी मुहिम किसी वेले मैं भी शुरू करने की सी लेकिन सफलता जथेबंदियों नाल हुंदी है और जो हूँ जथेबंदियां दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी अकाल तख्त साहिब श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी के दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी इस मुहिम में संगतों के सहयोग लैके तुरी है तो गुरु करेगा कि सफलता अवश्य होगी। कि
ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਕਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਧਾਮ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਰਤੀ ਉਚਾਰੀ ਸੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਵਿਜਨ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ